हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच टर्म ऑफ एपी, एपी की बन है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मुझे बताना है इस एपी कौन सी टर्म सबसे पहली, फर्स्ट मतलब पहली नेगेटिव टर्म होगी, विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म होगी, वो एन निकालना है यानी कि मुझे। अच्छा, एपी कितनी है मेरी, यहाँ पे लिख दो, एपी है मेरी 121, 117, 113 एंड सो ऑन। बोलो ठीक। अब आपको एक चीज नोटिस हो रही है, ये एपी बार लगातार देखो घट रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो कभी ना कभी तो नेगेटिव टर्म आएगी। तो वो ही पूछना चाह रहा है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, कौन से नंबर पे होगी वो, विच टर्म। तो मैं उसे कैसे करूंगा देखते जाओ। ए कितना यहाँ पे 121, डी कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट टर्म आपकी ए है 121, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस, तो 117 में से क्या घटेंगे, 121 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 121 में से 117 घटेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो डी कितना आ गया मेरे यहाँ पे माइनस का 4, और ए मेरे पे ये रहा। अब उसने पता क्या बोला है, विच टर्म, कौन से टर्म पहले नेगेटिव होगी, तो एन निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एन, कौन से नंबर की टर्म नेगेटिव होगी। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं लेके चलूंगा ए एन को, कि मुझे नेगेटिव चाहिए ना, ए एन कैसा चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव का साइन कैसा होगा बताओ, जीरो से छोटे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव, तो जीरो से लेस लेके चलूंगा, क्लियर, जीरो के इक्वल भी नहीं, मुझे जीरो नहीं चाहिए ना, सिर्फ लेस चाहिए, लेस देन, तो ये नेगेटिव होगी, ठीक है। मतलब ए एन मैंने यहाँ क्या बोल दिया, लेस देन है जीरो से, तो मतलब ए एन क्या हो गया, नेगेटिव, इसे यूज करूंगा मैं। और अभी तक आपने इस चैप्टर 5 में जितने भी क्वेश्चन करे ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं था, ठीक है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है देखो यहाँ पे, ये रहा 121 प्लस एन कितना है पता नहीं, एन निकालना है, डी कितना है माइनस का 4 लेस देन 0, बोलो ठीक है। अब इस माइनस 4 की एक बार एन में इंटू और एक बार इस माइनस 1 में इंटू कर दो, तो 121 प्लस माइनस, जब आप इंटू करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 4n आएगा यहाँ पे, माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस, इसकी जब 1 में होगी तो माइनस माइनस प्लस, बोलो ठीक है। ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 125 माइनस का 4n, बोलो ठीक। अब इस 4n को भेज दो उधर, तो 125 ये उधर गया तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और जीरो में अगर इसे ऐड करी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये 4 किस में, मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा, डिवाइड में, कर दो डिवाइड। अब इससे से काटो कितना आएगा, 4 3 12, 4 1 4 1 बचा 31.25, n की वैल्यू आई है कि, आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, n की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए, an, an देखो मैंने नेगेटिव लिया था यहाँ पे, अगर an नेगेटिव तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 31.25 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो n की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी, तो n की वैल्यू 31.25 से बड़ी कौन सी होगी। पहली बात, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये 1 2 3 चलते हैं, एन की वैल्यू कभी डेसिमल में नहीं होती, तो 31.25 से बड़ा नंबर कौन होगा काउंटिंग में, 32, तो आप लिखोगे हेयर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी इज 31 से बड़ा 32, 32th टर्म होगी, कौन सी होगी, 32th टर्म, जो पहली नेगेटिव होगी। आप चाहो तो अगर आपको चेक करना है तो आप एक काम कर सकते हो, ए 32 सॉल्व करके देख लो, नेगेटिव ही आएगा, क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस 31 डी, ए कितना है देखो यहाँ पे 121, 31 और डी कितना है माइनस का 4, कर लो इंटू 4 और ये देखो कितना आ रहा है, सॉल्व होके आ रहा है माइनस का, वो भी माइनस का 2 आ रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक और चीज, क्वेश्चन तो हो गया ठीक, अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ, बच्चे कहाँ पे गलती कर देंगे, इसके बाद गलती करेंगे बच्चे यहाँ से। देखो मैं तो यहाँ 4n को उधर ले गया, मगर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी तो आएगा कि 125 को उधर ले जाओ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, अगर 125 को उधर ले जाओगे तो क्या चेंज करना पड़ेगा आपको बताता हूं मैं, क्वेश्चन तो हो चुका है। तो देखो अगर आप 125 को उधर लेके जाओगे तो इधर माइनस का 4n यहीं पे रहा फिर, और जीरो में चला गया उधर जाके माइनस का, अब प्लस माइनस माइनस, अब आप बच्चे माइनस से माइनस काट देंगे, नहीं काटना ठीक है, क्यों, एक बताओ, माइनस 4 और माइनस 3 में कौन बड़ा है,
चलो माइनस चार और माइनस दस लेता हूँ, इन दोनों में कौन सा नंबर बिगड़ा है? माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो रियलिटी में छोटा होता है, तो यहाँ पे माइनस फोर बिगड़ा। अगर आपने माइनस से माइनस काट दिया यानी कि चार और दस बचा, अब कौन बड़ा ये, तो आपको ये इनक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, मगर उसी लाइन में काटना नहीं है आपको। तो क्या करूंगा मैं इस केस में, मैं करूंगा यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कर दो, तो ये माइनस का प्लस और ये भी माइनस का प्लस, तो अब साइन आपको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ऐसे। अगर ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, लेस देन तो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन, और साइन को रिवर्स कर देना। अब एन मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में, काट दो इसे, कितना आया 31.25। देखो फिर से वही तो आया कि एन क्या 31.25 से बड़ा। क्लियर, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर टू, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम कितना है, सिक्स है, लिख दो, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम कितना है, सिक्स, एंड द एंड देयर प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट A3 और A7 का प्रोडक्ट कितना है, 8 है। क्लियर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AB, से AB की शुरू की 16 टर्म का सम निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, S16 फाइंड करना है, और X16 तो जब आएगा जब मेरे पास A और D होगा, कॉमन डिफरेंस और क्या होगा, फर्स्ट टर्म अवेलेबल हो, वो तो है नहीं, तो इन दोनों की हेल्प करके पहले A और D निकालेंगे। आप लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं A, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या, D। बोलो ठीक, अब यहां पे पुट कर दो A3 की जगह पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लो ये सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करूं, जहां पे ये वहां रख दो A3 प्लस A7 है ना बराबर कितना, 6। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 का फॉर्मूला होगा हमारे पास A प्लस 2D, ये A3 का फॉर्मूला है, प्लस A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 6D, एक कम होता है, इक्वल टू कितना, 6। क्लियर, अब A और A कितने हो गए, 2A ना हो गए, और 6D और 2D कितने हो गए, 8D ना हो गए, बराबर 6। अब पूरी क्वेश्चन किससे डिवाइड हो रही है, 2 से, या 2 कॉमन ले लो, 2 से काट दो, या 2 से क्या कर दो, पूरी क्वेश्चन को 2 से कर दो डिवाइड, डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 से कट जाएगा सब कुछ, देखो कैसे, ऐसे इधर भी कटेगा, काटो 2 से 2, 2 4 जा, 2 3 जा, तो कितना है, A प्लस 4D बराबर 3। यहां से A कैलकुलेट कर लो, क्या कर लो, A निकाल लो यहां से, तो प्लस का 4D उधर जाएगा, तो माइनस, तो A कितना आया, 3 माइनस 4D, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, अब बात आती है दूसरी इक्वेशन की, उसे पिक करो यहां पे, अब इक्वेशन सेकंड, वो क्या लिखी हुई है यहां पे, वो लिखी हुई है A3 इंटू A7 कितना है, वो है 8। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D और A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D बराबर कितना, 8। बोलो ठीक, अब A3 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये भी लगा दिया, ठीक है, और मेरे पास A की वैल्यू अवेलेबल है, देखो गौर से, ये ना यहां भी पुट कर दो A की वैल्यू और यहां भी पुट कर दो, दोनों जगह पे पुट कर दो, ठीक, पुट करते हैं, चलो तो देखो यहां पे A रखना है, क्या रखना है, 3 माइनस 4D, तो रख दो 3 माइनस 4D, और यहां के लिखा हुआ प्लस का 2D, ब्रैकेट बंद, यहां पे क्या है 3 माइनस 4D प्लस का 6D, 3 माइनस 4D प्लस का 6D इज इक्वल टू कितना, 8। क्लियर, अब देखो यहां पे दोनों DD है, वेरिएबल है, लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे, चार में से दो गए तो कितने बचे, दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या है 3, यहाँ पे आएगा 3 प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 2D। बोलो ठीक, अभी एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b और a प्लस b का, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2D का इक्वल टू कितना, 8, 3 का स्क्वायर 9 और 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर बराबर 8। ठीक है यहां तक, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये करेंगे, अब वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, इस नंबर को लेके जाओ उधर,
तो माइनस 40 है यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ गया 8, ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का, और 8 में से 9 गए तो कितने बचे माइनस का 1, इधर माइनस का 40 स्क्वायर है। अब माइनस से माइनस कट गया, अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इसे डिवाइड में भेज दो 1/4। यहां तक क्लियर? ठीक, आप सुनो, अब डी स्क्वायर आया 1/4, अगर डी स्क्वायर क्या है 1/4, तो स्क्वायर से इस पे जाके क्या जाएगा स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा रूट आ जाएगा, रूट आएगा तो दो आंसर आएंगे प्लस माइनस, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो डी की वैल्यू 2 आ गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि जब भी स्क्वायर हटा के रूट लेते हैं तो दो आंसर काउंट होता है, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक ठीक है, यहाँ पे डी भी आ गया हमारा। अब देखो डी की वैल्यू यहाँ पुट करो ताकि मेरा क्या निकल जाए ए, तभी तो मैं सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म निकाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और डी चाहिए, तो डी तो निकल चुका है हमारा, डी दो के दो है तो दोनों केस कंसीडर करेंगे, एक बार डी को लेंगे हाफ, एक बार डी को लेंगे माइनस हाफ। ठीक है, एक बार डी को लेंगे माइनस का हाफ, और यहां पे ए कितना मेरा, ए है मेरा 3 - 4d, ये सब हटाओ पूरा ही क्लीन कर दो, हटाओ। देखो अगर डी की वैल्यू यहां पे हाफ रखो 3 - 4 × 4 × हाफ, तो 2 से कट गया दो बारी में, 3 में से 2 घटाएंगे, अब 3 में से 2 गए तो कितना ए आ गया 1। बोलो ठीक, ए ये रहा और डी ये रहा। अब इस वाले में जो डी कितना है यहां पे माइनस का हाफ, तो इस डी की वैल्यू रखो किसमें, इसी इक्वेशन में ए निकालने के लिए 3 - 4d, तो 3 - 4 × d कितना बताओ माइनस का हाफ, अब 2 टू जा 4 और माइनस माइनस प्लस 3 + 2, क्योंकि 2 टू जा 4 हो गया, तो ए कितना है यहाँ पे, ए आया यहाँ पे हमारा 5। बोलो ठीक, दोनों केस में आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है सम ऑफ 16 टर्म, तो दोनों केस में निकालेंगे इसमें भी और इसमें भी। अब लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला एस एन का, क्या होगा एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बोलो ठीक, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, n कितना है, n है 16, ठीक, n कितना है यहां पे 16, 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस n कितना है 16 माइनस 1, और d कितना है, d है मेरे पास यहां पे कितना हाफ इंटू में हाफ ब्रैकेट 1। क्लियर? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा, यही कर देता हूं ऊपर ही सॉल्व इसे। तो देखो 2 से कटा कितनी बारी में, 8 बारी में, और मैंने एन को रखा था 16, 8 आ गया, 2 × 1 = 2 और 16 में से बन जाएंगे तो 15, यहां आएगा 15 और नीचे क्या है अपॉन 2, ये रहा 2। अब यहां एलसीएम लोगे आप 2 × 2 = 4, क्योंकि नीचे 1 है, इसकी इसमेंट हो जाएगी, नीचे गया 2 ब्रैकेट बंद, और यहां पे क्या चल रहा है 8, 2 से कटे कितनी बारी 4 बारी में, 14 और 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 × 4 = 76, हमारा एस 16 आ चुका है। लेकिन वो आया इस वाले केस के अकॉर्डिंग, जब डी कितना था हाफ था और ए कितना था 1 था, अभी इस वाले केस के लिए भी निकालेंगे, वो मैं कैलकुलेट कर देता हूं इधर। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा, कलर चेंज कर लेते चलो। हाँ, एस एन का फिर से फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन कितना है बताओ यहाँ पे, एन 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 16, ये एन तो 16 टर्म में निकालना है, तो एस 16 बाई 2, 2 इंटू ए कितना है, ए रहा यहाँ पे 5 है, ठीक, प्लस a 5 है और एन फिर से 16 माइनस 1, और डी कितना है, डी है यहाँ पे माइनस का हाफ, डी कैसा है यहाँ पे माइनस का हाफ, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे क्या पता ना दिखे, माइनस का हाफ। बोलो ठीक, अब सॉल्व करो इसे, 2 से कटेगा कितनी बारी में, 8 बारी में, 2 × 5 = 10, 16 में से बन गए 15, और देखो इस माइनस हाफ की इस प्लस में इंटू होगी तो प्लस माइनस माइनस, तो 15/2 हो जाएगा ये। अब यहाँ फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 2, अब 2 की इंटू इसमें तो 20 - 15, अब 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर कर देता हूं, तो कितने बचेंगे 8 × 5/2, ये बचेगा, और ये क्या चल रहा है इधर S16,
अब टू से कटेगा कितनी बारी, फोर बारी में, फोर फाइव जा 20, यहाँ पे सम कितना आया 20 आया, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।